इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की नई वेव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने किलर वायरस के खिलाफ नई जंग छेड़ दी है। पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग मीटिंग की। पीएम मोदी ने नया मंत्र भी दिया, दवाई भी और कड़ाई भी। मोदी ने कहा कि 70 जिलों में 150% से ज्यादा कोरोना केसेस बढ़े हैं, जो काफी खतरनाक है। पीएम ने सभी राज्यों से आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने पर जोर देने के लिए कहा और वैक्सीन की जीरो वेस्टेज का टारगेट पूरा करने की अपील भी की। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई, ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश वगैरह भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि इन इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए, और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए, हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है, एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है, और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए, इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले एक साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटीपीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है, जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें आरटीपीसीटी टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से, अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे
तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, कोरोना वैक्सीन पर ममता बनर्जी कैसे सियासी खेला कर रही हैं, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।